हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बोयाता बाय वन माइक। जी हाँ, इसके बारे में आपने सुना ही होगा, बड़े बड़े यूट्यूबर और वीडियो एडिटर इसे यूज़ करते हैं। चलिए आज हम बोयाता इस माइक की अनबॉक्सिंग आपके सामने करेंगे। मैंने इस माइक तो फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, वो भी सिर्फ 870 रुपीज़ में। इसका लिंक मैं आप तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो तो लाइक करना ना भूलें। इस माइक के बारे में आप अच्छे से जानते ही होंगे, ये बहुत अच्छी पैकिंग में भी आया है। हमें ये देखिए, बोया बाय वन माइक हमें फॉर्म लेटिव है, जिससे इसे कुछ नुकसान ना हो। इसे आप अच्छे से देख सकते हैं, बोया बाय वन माइक, जिसे हम DSLR और स्मार्टफोन में अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं किसी भी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। अगर आप TikTok यूज़र हैं या अन्य यूज़र हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, हमें अच्छे तरीके से भी मिलता है। इसके साथ हमें मैनुअल गाइड फंक्शन भी बताए गए हैं। और ये रहा हमारा बोया बाय वन माइक। इसकी जो खास बात यह है, इसकी वायर जो है 20 फीट की बताई जाती है, जो हमें वीडियो रिकॉर्डिंग में अच्छा साथ देती है। और ये रहा है इसका स्पीकर, साथ में हमें मिलती है एक पाउच। इसमें हमारा एक 3.5 mm जैक विथ 1.5 mm, और जो साथ में ये फोम दी है, ये नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए होते हैं, जो हमारे इन ड्रप्टेड नॉइज़ को कंट्रोल करती है, जो कि इस पर अच्छे से फिट हो जाती है। और ये साथ में हमें दिया जाता है बैटरी, ये छोटी सी बैटरी हमें तब यूज़ आती है जो हम DSLR कैमरा में बताते हैं और इसे किस तरह इसमें माउंट किया जा सकता है। अगर आप स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं तो इसे आपको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप तो इस पर शो हो रहे ये ऑन ऑफ बटन तो सेटअप करना है। जो ऑफ बटन है वो आप तो स्मार्टफोन के लिए है, और ऊपर वाला कैमरा या DSLR कैमरा के लिए है। उसके साथ में हमें ये सोलर ID में डालने के लिए ये फंक्शन भी दिया, जिसे आप अपने सोलर पर और किसी भी जगह पर सेट कर सकते हैं, जिस हिसाब से आप अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं। आगे आप तो बताते हैं तो इसकी नॉइज़ कैसी है और इसका रिव्यू भी आप तो बताते हैं। अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये मेरे पुराने माइक का सुन रहे हैं, अब आधे जो आप ऑडियो सुने थे ये मेरे बोया बाय वन माइक का होगा। अब हम इस माइक को अपने सेटअप में माउंट कर देंगे और आप तो इसकी ऑडियो सुनाएंगे और इसके रिव्यू के बारे में बताएं। ये देखिए, यहाँ पर हमने इसे अपने सेटअप में माउंट कर दिया है और इसकी जो क्लिप है उसे हम अपने कॉलर पर या टी शर्ट पर सेटअप कर लेंगे। एक बात ध्यान में रखना ये है कि आपका ये माइक माउथ से नीचे होना चाहिए, जिससे आपकी सांस की आवाज़ें इसमें ना आए। और दूसरी बात, अब हम मैं इसे स्मार्टफोन पर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इस बटन को नीचे स्मार्टफोन पर रखूँगा, अगर हम DSLR कैमरा पर यूज़ कर रहे हैं तो इसे ऊपर कैमरा पर, अभी हम इसे स्मार्टफोन में यूज़ कर रहे हैं तो स्मार्टफोन पर रखेंगे। अब जो आप मेरी ऑडियो सुन रहे हैं ये बोयाता बाय वन माइक से सुन रहे हैं। जो पहले आप ऑडियो सुन रहे थे वो मेरे हेडफोन से था, जो आप मैं रिसेंटली अपने वीडियोस पर यूज़ करता हूँ। जैसे अभी हमने आपके सामने बोयाता बाय वन माइक का अनबॉक्सिंग किया है, अब देख सकते हैं हमें इसके साथ बैटरी भी मिलती है। मैं अभी इसे विदाउट बैटरी अपने स्मार्टफोन से यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं इसे बैटरी साथ, तो आप इसे सिर्फ अपने DSLR कैमरा पर यूज़ कर सकते हैं। और ये फ़ोन में 3.5 mm के जैक के साथ यूज होता है। अगर आप इसे DSLR में यूज़ करना चाहते हैं तो आप तो उसके लिए सिंपली एक 1.5 mm का जैक मिलता है और साथ में ये बैटरी। अगर हम बात करें इस बोया बाय वन माइक के रिव्यू की और इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन की, तो ये नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हमें लगातार इसमें बोलते रहना होता है। अगर हम कुछ देर के लिए चुप होते हैं तो हमारे आसपास की आवाज़ तो मीन्स नॉइज़ तो ये पत्थर सुनाता है। और अगर हम बात करें इसकी ऑडियो क्वालिटी की, तो ये हमारी जो ऑडियो था उसको बहुत ही अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड करता है और हमारी वीडियो के लिए ये बहुत ही अच्छी बात होती है। इसमें सिर्फ आप तो एक बात का ध्यान ये रखना है कि आप सीधा माइक में फ्रंट में ना बोलें, जिससे कि ऐसा होगा आपकी सांस की आवाज़ इसमें नहीं जाएगी। और दूसरा, इसकी अगर हम वायर क्वालिटी की लेंथ की बात करें, इसकी वायर की लेंथ 20 फीट की है और वायर की क्वालिटी आम माइक की क्वालिटी से बहुत ही अच्छी है। दूसरा, बेस्ट माइक, सभी यूट्यूबर इस माइक को यूज़ करते हैं और क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी में है, बड़े बड़े यूट्यूबर और वीडियोग्राफर इसी माइक का यूज़ करते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ही बढ़िया माइक है। और आप इसे मेरी तरह ही फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हो। इसी तरह के मोर अपडेट्स के लिए आप मुझे नीचे कमेंट
में कमेंट भी कर सकते हैं जो अगर आपसे क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं। इसके साथ स्पेशली हमें एक मैनुअल गाइड भी मिलता है जिसे आप मोर इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हैं, जिसमें आप उस स्पेसिफिक उस माइक को कैसे यूज़ करना है, कैसे आवाज़ बतानी है, उस तरह की चीज़ें आप इसमें अच्छे से जान सकते हैं। इसी तरह से मोर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक जरूर करें और इसी तरह से यूट्यूब पे मोर अपडेट्स के लिए हमारी यूट्यूब चैनल की अनदर वीडियोस तो जरूर देखें। धन्यवाद।